I hope you all will be fine. Okay, so we are reading chapter 2, Folk Arts of Madhya Pradesh of Supplementary Reader Part 3, our MP. Okay, so let's continue from page number 79. Folk Drama in Madhya Pradesh. अब मध्य प्रदेश के फोक ड्रामास कौन कौन से हैं, ठीक है? तो यहाँ निमाड़ी फोक ड्रामा दिया हुआ है, गम्मत, है ना? गम्मत जो है ट्रेडिशनल फोक ड्रामा है, ठीक है? और ये एंटरटेनमेंट का सोर्स है ट्राइबल्स के लिए, ठीक है? और ट्राइबल्स का, और गम्मत जो है वो नवरात्रि, होली और गणगौर के मौके पर किया जाता है, ठीक है? ये जो ड्रामा है होली, नवरात्रि और गणगौर ओकेशन पर किया जाता है, ओके? सेकंड है फोक ड्रामा ऑफ मालवा. तो यहाँ बताया जा रहा है माच. माच इज द ट्रेडिशनल फोक ड्रामा ऑफ मालवा. ये मालवा का ट्रेडिशनल फोक ड्रामा है, है ना? इसमें फोक ड्रामा के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ओके? तो इस ड्रामा में, है ना, माच जो है, माच में मालवा को 300 साल पहले का मालवा देखा जा सकता है, ठीक है? माच जो ड्रामा है, फोक ड्रामा मालवा का, तो 300 साल पहले वाला मालवा हम इस ड्रामे में देख सकते हैं, ठीक है? और ये ट्रेडिशन, माच का जो ट्रेडिशन है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है? बुंदेली फोक ड्रामा, तो इसमें है एक स्वांग जो है फोक ड्रामा है, है ना? ट्रेडिशनल फोक ड्रामा बुंदेलखंड का, ओके? तो इसमें छोटे छोटे ड्रामास होते हैं, है ना? और इसमें मिमिक्री ज्यादातर की जाती है, और 3 or 4 कैरेक्टर्स होते हैं, ओके? और वुमन के रोल्स भी होते हैं इसमें, और एक कैरेक्टर क्लोन होता है. अब कुछ लोग जो हैं, जो स्वांग्स के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन है? धतूरा खान, ब्याह को स्वांग, भूरी भैंस, पंडित ठाकुर एक्सेट्रा, ठीक है? फिर है बघेली फोक ड्रामा. तो बघेली फोक ड्रामा में आपका है चाहुर, मनसुखा, हिंगाला, जिंदबा, लकड़बग्घा, रासा, नौटंकी और रामलीला. तो ये बघेली फोक ड्रामास है. नाउ फोक आर्ट्स ट्रेडिशन इन मध्य प्रदेश. फोक आर्ट्स ट्रेडिशन, तो फोक आर्ट्स यहाँ निमाड़ के बताए गए हैं आपको, मालवा के बताए गए हैं. तो जैसे हम निमाड़ की बात करें, है ना, तो निमाड़ में वेरियस ट्राइब्स की पिक्चर्स ड्रॉ की जाती हैं वॉल्स में, है ना? फेस्टिवल के दौरान जब त्यौहार होते हैं तो लोग जो है दीवारों को रंगते हैं, दीवारों में पेंटिंग बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बनाते हैं ओकेशन से रिलेटेड, ठीक है? जैसे आपका जरोटी, हरियाली, जरोटी जो है हरियाली अमावस में बनाई जाती है. वॉल पेंटिंग ऑफ स्नैक्स की वॉल पेंटिंग नागपंचमी में बनाई जाती है, ठीक है? संजा फूली कुंवर मंथ में बनाई जाती है. नरवल जो है वो नवरात्रि के टाइम में, है ना? दशहरा में लैंड ड्राइंग होती है, ठीक है? दशहरा लैंड ड्राइंग ऑन दशहरा. हथा या थापा, है ना, ये सैलिस सप्तमी में. गोवर्धन जो है वो दिवाली पड़वा में, है ना? ऐसे ही भाई दूज वॉल पेंटिंग दिवाली दूज में किया जाता है, ठीक है? तो इसके अलावा मैरिजेस जैसे ओकेशंस होते हैं उसमें कुलदेवी की वॉल पेंटिंग की जाती है, है ना? सतीपाना ऑन द डोर्स में सतीपाना, ठीक है? गणपति पना, है ना, मेन गेट में ये सब ड्रॉ किए जाते हैं. तो ऐसे ही आपको मालवा का फोक आर्ट भी दिया हुआ है, निमाड़ का भी फोक आर्ट दिया हुआ है, ओके? तो ये आप पढ़ेंगे, ये देखें फोक आर्ट ऑफ बुंदेलखंड का फोक आर्ट आपको यहाँ दिया हुआ है. सरौती, नौराता, मोरते, गोधान, गोवर्धन, चौक, फोक आर्ट ऑफ बघेलखंड, कोहबर, तिलंगा, छठी पिक्चर, न्योरा न्योम, मोरेला और स्नेक पेंटिंग, ओके? नाउ हैंडीक्राफ्ट जानते हैं, जो हाथ से बनाई जाती है चीजें, है ना? वो क्या क्या है? जैसे पॉटरी, मध्य प्रदेश में पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं. वुड क्राफ्ट लकड़ी से चीजें बनाई जाती हैं. वुड कार्विंग लकड़ी में लिखाई की जाती है. कॉम्ब मेकिंग कंघी बनाना. बंबू क्राफ्ट बांस से चीजें बनाना. मेटल वर्क मतलब जो धातुओं की चीजें बनाना, ठीक है? लीव्स क्राफ्ट पत्तियों से आर्टिकल्स बनाना. पपेट्री मतलब कठपुतलियां बनाना, ठीक है, और वो चलाना. डॉल मेकिंग, चीपा क्राफ्ट, है ना,
फिर पिठोरा वॉल पेंटिंग, माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, स्कल्पचर और लाख क्राफ्ट। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, फो हैंडीक्राफ्ट है, जो हाथों से चीजें बनाई जाती है। ठीक है, तो डिटेल में आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। प्रिंटिंग फिगर्स ऑन क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ वुडन मोल्ड्स इन कॉल्ड चीपा क्राफ्ट। ओके, गर्ल्स सेलिब्रेट संजा फेस्टिवल इन पितृपक्ष। गणगौर इज द फोक डांस ऑफ निमाड़। एट द टाइम ऑफ लक्ष्मी पूजा ड्यूरिंग दिवाली, सरौती सुरौती आउटलाइन इज ड्रॉन बाय द लेडीज। इन मालवा पीपल ऑफ नाथ सेक्ट सिंग भरथरी स्टोरी इन अकम्पनीमेंट ऑफ चिंगारा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। राइट द नेम्स ऑफ मेन फोक सॉन्ग्स इन द स्टेट। तो लेसन की फर्स्ट में हमने सारे रीजन के फोक सॉन्ग्स देखे है ना, तो आपको डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ जो हेडिंग हेडिंग है वो आपको लिख देना है। जैसे एक का मैं बताती हूँ, तो कैसे लिखेंगे, जैसे आपने लिख दिया है फोक सॉन्ग्स ऑफ निमाड़ रीजन। निमाड़ रीजन में एक कलगीतुर्रा, भजन ऑफ संत सिंगा जी, निर्गुनिया सिंगिंग स्टाइल, काया खोज सॉन्ग्स, फाग सिंगिंग, गरबा गरबी गवालन स्टाइल ऑफ सिंगिंग, नाथपंथी सिंगिंग। तो ये हो गया निमाड़ रीजन के फोक सॉन्ग्स। तो ऐसे ही मालवा रीजन के फोक सॉन्ग्स लिख लीजिएगा। डिटेल नहीं लिखना है हमको, सिर्फ ये जो ब्लू ब्लू में आपको नाम दिया हुआ है वो लिखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर टू। व्हेन इज फाग संग, फाग जो है कब गाया जाता है। Here you see in page number 72, fog songs are sung on Holi. People begin singing fog songs from the beginning of the month of Phagun. Okay. Now question number three. Describe the main folk dances of the state. अब पूरे स्टेट के तो चार रीजन है, चार रीजन के फोक डांसेस आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा आंसर हो जाना है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ नेम लिख देंगे कि फोक डांसेस ऑफ निमाड़ रीजन, और आप उसके आगे नेम लिख देंगे कि कौन कौन से डांसेस हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही फोक डांसेस ऑफ मालवा रीजन, फोक डांसेस ऑफ बघेलखंड रीजन, फोक डांसेस ऑफ बुंदेलखंड रीजन। ओके, ये आप कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राई डांस ऑफ बुंदेलखंड एंड दैट ऑफ बघेलखंड। सो इन पेज नंबर 78, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू स्टाइल। इन बुंदेलखंड डांसर एंड मृदंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन बघेलखंड राय इज संग अकम्पनीड बाय ढोलक एंड नगाड़ास, बट मैन परफॉर्म डांस इन द गर्भ ऑफ वुमेन। ओके, तो ये है आपका आंसर है ना, टू स्टाइल। राय डांस जो है बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों का यहाँ डिफरेंस बताया गया है कि बुंदेलखंड में डांसर और मृदंग दोनों इम्पोर्टेंट है, और बघेलखंड के राई डांस में ढोलक और नगाड़ा इज इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैन परफॉर्म करता है। ठीक है, इन द गर्भ ऑफ वुमेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गम्मत, व्हाट इज गम्मत, व्हेन इट इज परफॉर्म्ड, व्हेन इज इट परफॉर्म्ड। इन पेज नंबर 79, गम्मत इज द ट्रेडिशनल फोक ड्रामा। इट इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द ट्राइबल्स। गम्मत इज मेनली इनेक्टेड ऑन द ओकेशन ऑफ नवरात्रि, होली एंड गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द वेल नोन फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड। तो यहाँ आएगा राई, राई इज द वेल नोन फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड। डिस्क्राइब द फोक पेंटिंग ऑफ मालवा। सो द आंसर इज इन पेज नंबर 81, ऑन फेस्टिवल वॉल्स एंड कर्टियर्स आर डेकोरेटेड वॉल पेंटिंग्स। ट्रेडिशनली दिवस इज पेंटेड ऑन हरियाली अमावस, स्नेक पेंटिंग ऑन नागपंचमी, श्रावण पेंटिंग ऑन श्रावणी, सीन्स ऑफ कृष्णास बर्थ ऑन जन्माष्टमी, संजा ड्यूरिंग श्रद्धा पक्ष श्राद्ध पक्ष, नरवत ऑन नवरात्रि। ओके, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द वॉल पेंटिंग्स। ओके, यहां तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब फोक पेंटिंग्स ऑफ बघेलखंड। नाउ इन पेज नंबर 83, उसमें आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी यही है कि डिस्क्राइब करना है हमको, है ना। तो
अब थोड़ा छोटा करने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे, ओके। देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ ड्रॉइंग वॉल पेंटिंग्स, कर्टयार्ड डेकोरेशन एंड वॉल कार्विंग इन बघेलखंड। वॉल पेंटिंग्स आर एसोसिएटेड विद सम रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और लेजेंड्स। वॉल कार्विंग एंड डेकोरेशन आर ड्यू टू एस्थेटिक सेंस। कोहबर, हरछठ, करवा चौथ, नागपंचमी, न्योरा नवमी, छठी, दिवाली ड्रॉइंग्स आर ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ बघेलखंड। ओके, तो यहाँ तक आप, यहाँ से लेकर और आगे वाली जो नेक्स्ट पेज में जो ऊपर की फर्स्ट लाइन है वहां तक आप लिख लेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फोक क्राफ्ट ऑफ द स्टेट। अब वो तो बहुत बड़ा हुआ है, आपने खुद भी देखा है ना, बहुत बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, आंसर जब लिखेंगे तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखेंगे, जैसे पपेट्री, बेम्बू क्राफ्ट, है ना। तो ये ऐसे सिर्फ नाम नाम लिख देंगे आप फोक क्राफ्ट के, ठीक है, डिटेल नहीं लिखेंगे, ओके। और वो आंसर आपको पेज नंबर 85-84 में दिया हुआ, फोक क्राफ्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। तो वो जितने पॉइंट पॉइंट दिए हैं उन पॉइंट्स के नाम आप लिख देंगे। तो यहाँ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर 3, ट्राइबल कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर पार्ट 3, ओके।